हमारी मुर्गी बहुत जल्द चूजे निकालने वाली है। आज 20 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और कल जाकर चूजे दोस्तों निकल जाएंगे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों को मेरे पेट्स ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये कटोरा है, इसमें दोस्तों मुझे फीड देना अपने मुर्गी को जो कि कुड़क हो चुकी है। तो चलिए बिना देरी के उसको फीड देते हैं। ये आप देख सकते हो मुर्गी का फीड जिसे चोकर भी कहा जाता है। इसमें चावल एंड गेहूं मैंने फीड किया हुआ है एंड पानी खत्म हो चुका है, पानी को भी दे देता हूं। हमेशा फीड को रखता हूं यहां पे, पानी है, पानी में हमेशा दे देता हूं क्योंकि पानी खत्म हो गया। हमेशा फीड और पानी मेरा दोनों हमेशा रहता है, फीड और पानी रखता हूं। यहां पे मुर्गी हमारी देख सकते हो किस प्रकार से देख रही है, लगता है इसे भूख लगा भी आकर खाएगी। इसका मतलब वो आएगी और अभी तो यहां पे हमारी मुर्गी को तो मैं क्या करता हूं, समय के लिए इसको बंद कर देता हूं। सुबह के समय तो वहाँ पे मुर्गा मेरा बहुत ही परेशान हो रहा है और मेरी मुर्गी फीड आकर खा रही है, तो मैं मुर्गी को भगा देता हूँ। ये आप देख सकते हो मेरी जो मुर्गी है ना, ये पानी को पी रही है यहाँ पे आके। मैंने जैसा आपको बताया कि वो भूखी लग रही थी, फीड दिया तो ऐसी ताकी रहती, जैसे लग रहा था उसे बहुत भूख लगा है। ये आप देख सकते हो फीड भी खा रही है एंड पानी भी पी रही है। आती है दोस्तों थोड़े समय के लिए, आती यहीं पर बाहर ही पॉटी करती है, खाना खाती है और खाना खाने के बाद फिर से अंडे को दोस्तों सेने के लिए चली जाती है। तो आप देख रहे हो कितनी अच्छी तरीके से ये फीड को फिनिश कर रही है और ये आधा से ज्यादा खा लेगी एक ही बार। अब सीधे दोस्तों ये खाएगी सुबह सुबह। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ और ये फीड जो है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से पसंद भी करती है। तो आइए मैं अंडों को आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुल आपको 15 अंडे दिखाई दे रहे होंगे, जैसा कि दोस्तों 14 अंडे था एक अंडा और इसने दे दिए, कुल 15 अंडे हो चुके हैं। 15 अंडे को ये हैचिंग कर रही है और कल मैं चेक करूँगा कि इसमें जो है चिक्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो हमारी मुर्गी फीड को फिनिश कर चुकी है एंड आकर अंडों पे बैठ रही है। किस प्रकार आप देख सकते हो, इस प्रकार से आती है, थोड़े से अंडों को हिलाती है, हिलाने के बाद ये अच्छी तरीके से बैठती है। ये आप देख सकते हो किस प्रकार से पूरे अंडे को कवर कर कर बैठ रही है। तो ये तो बहुत ही देख सकते हो किस प्रकार से कर रही है, जिससे कि अंडे जो है ना वो हिल डुल जाए, जिससे कि बच्चे अच्छी तरीके से बने। और एक साइड से बच्चा बनता है ना तो वो चिपक जाते हैं, जिससे कि वो अंडे में से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से ये अंडे पर हमारी मुर्गी बैठ चुकी है। यहाँ पे मेरे सफ़ेद चूहे हैं, आइए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ अपने सफ़ेद चूहों को। ये बच्चे आज 14 दिन के हो चुके हैं, 14 दिन के, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और मैं इन्हें क्या करता हूँ, अंदर रख देता हूँ बच्चों को। एक दोस्तों वो भाग चुका है, वो उधर चला गया, उसे मैं जल्दी से पकड़ता हूँ वरना बड़े बड़े जो रैट हैं वो इसे खा भी सकते हैं। जल्दी से मैं क्या करता हूँ, इन सबको भरता हूँ, भरने के बाद उसको दोस्तों मैं पकड़ता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिए नीचे वहाँ पे चला गया है बच्चा भी, ये सब देख जाएंगे तो उसे खा जाएंगे। आप देख सकते हो वो खाने के लिए आया। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से भर देता हूँ। जैसा कि आप प्रोग्रेस देख सकते हो कि 14 दिन में रैट के बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं, कितने बड़े बड़े, ये आप देख सकते हो। और सेम प्रोसेस जो है रैबिट का भी ऐसे होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि रैबिट के बच्चों को आप लोग को 1-2 महीने तक बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है, पर रैट में ऐसा नहीं होता है। ये हमारे जो पैरोट हैं फूड एक्सचेंज कर एंड दोस्तों ये शाम हो चुका है, ये शाम का इनका भोजन है। अब ये खाने के बाद सीधा ये सब मटकी में जाएंगे। और जो हमारे फिंच है ना, फिंच को भी मैं बता देता हूँ कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हो पहले हमारे पैरोट को ये पानी खाना अच्छी तरीके से पीकर तब अपने नेक्स्ट में जाएंगे। हमारी फिंच दिन ब दिन मरती जा रही है, पता नहीं उसको पैरोट मार रहा है या चूहा मार रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो अब पता नहीं क्या हो रहा है, तो मुझे इनका केज चेंज करना पड़ेगा, वरना दोस्तों मेरे पास तो अभी इस टाइम केज अवेलेबल नहीं है। और एक फिंच का ना पैर में चोट भी लगा है, जैसा कि आप सब देख सकते हो बेचारी के यहाँ पे दोस्तों उसके पैरों में चोट लगा है। ये दोनों में से कोई नहीं है, एक फिंच है दानेदार वाली प्यारी सी, उसी का दोस्तों चोट लगा हुआ है उसके पैर में। हमारे रैबिट दोस्तों यहाँ पे हैं, ये भी सब बहुत ही जल्द, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कभी भी बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं दोस्तों, कभी भी, आज कल परसों कभी भी ये डिलीवर कर सकते हैं। इनका दोस्तों जब चाहे तब दोस्तों ये बस बच्चे दे दें। और जैसा कि अभी मेरे पास केज नहीं खाली है इसीलिए मैं इसे अलग नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं ध्यान देता रहता हूँ हमेशा, जब बच्चे देंगे तो मैं इन्हें अलग कर दूंगा।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।